नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में और निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। आप लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की कंटिन्यू अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है उसके एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 अक्टूबर और 2 नवंबर और ये जो पीछे 29 अक्टूबर, तो 3 दिन जब मार्केट ने इस लेवल पर जब सस्टेन करना शुरू किया था तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी कैंडलें बन रही थी, हैमर टाइप की कैंडलें बन रही थी और उसके बाद से कंटिन्यू देखिए मार्केट में 4 दिन से कितनी अच्छी एक अपमूव रही है, ठीक है। और जैसा कि हमने आज के सेशन में देखा, यहाँ पर जो निफ्टी ने हाई लगाया, देखिए 12,280 का जो है हाई लगा दिया है। इसकी जो ओपनिंग हुई थी 12,156 की हुई थी, तो मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि 100 से प्लस पॉइंट की जो है निफ्टी 4 दिन से कंटिन्यू जो है मूव कर रहा है। तो अब देखिए, अब यहां पर हम वीकली चार्ट लगाएंगे, वीकली चार्ट में अब हम देखेंगे कि आगे हमारे पास कौन से रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये देखिए हमारे पास जो आगे का रेजिस्टेंस लेवल है वो लेवल ये है, मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये लेवल है आप देखिए 12,400 का। तो 12,400 के पास अब निफ्टी को जो है रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। अब ये देखिए एक यहां पर जो है 12,280 का लेवल, तो 12,280 का लेवल भी जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस पे जो है मतलब अब एक ट्रैपिंग जोन में जैसे हम आ चुके हैं, तो यहां पर जो है हमने जो ट्रेडिंग है वो बहुत ध्यान से करनी है। तो अब यहां पर हम देखेंगे 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे निफ्टी में हम जो है कल को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ये ड्रॉ करी है, ठीक है। और इसके बाद मैं ट्रेंड लाइन एक और ड्रॉ करूंगा यहां से, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन, अब देखिए हमारे पास क्या है निफ्टी में, किस तरह से हो सकता है निफ्टी में। देखिए अगर मंडे के सेशन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अगर ये ट्रेंड लाइन मंडे के सेशन में ब्रेक होती है तो हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट रहेगा 12,135 का, उसके बाद रहेगा 12,000 का और उसके बाद रहेगा 12,050 का और उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 12,000 का। तो मतलब अभी हमारा जो है मेन फोकस जो है इस ट्रेंड लाइन पर रहना चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है तो इस पर हमारा मेन फोकस रहना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन पर। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो है हम यहां पर सीधी 12,025 का लेवल हम सीधा देखेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमको एक बहुत तेज जो है डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, अपने ट्रेड जो है बना के रखिएगा। और देखिए अप मूव की क्या है, अप मूव अब देखिए 12,280, तो 12,284 का लेवल इसने टेस्ट कर लिया है। 12,280 जो है अब एक रेजिस्टेंस लेवल है, 12,280 निकालने के बाद 12,400 का लेवल जो है इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अब देखिए अगर यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है तो आप 12,400 तक जो है इसको बाइंग के लिए जा सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हाई ब्रेक करता है फिर आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। और मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन पर आपको मिलता है तो यहां से बाइंग बना सकते हैं। सेलिंग आपको सिर्फ एक ही सिनेरियो में करना है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तब, अदरवाइज आपको बाइंग की तरफ ही मतलब अभी देखना है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आपको इमीडिएट आपको जो है न्यूट्रल होना है ट्रेड पर और आप जो है इसमें सेलिंग का ट्रेड इसमें बना सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो चलिए हम पहला स्टॉक यहां पर जो ओपन कर लेते हैं अडानी का। तो ये देखिए अडानी पोर्ट्स का ये स्टॉक हमने ओपन कर लिया है। तो ये अब यहां पर देखिए अडानी पोर्ट्स जो है देखिए कंटिन्यू इस लेवल पर एक सस्टेन कर रहा है, तो ये लेवल जो है इसके लिए अब मैं इसको जो है थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हमारी जो बाइंग होगी देखिए अब 380 निकलने के बाद जो है आप इसमें बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। मैं इंट्राडे की बात बताऊंगा इसमें सारी, ठीक है। पोजीशनल जो होगी मैं उसमें आपको अपडेट कर दूंगा। अब देखिए एशियन पेंट देखिए कंटिन्यू एक अपमूव के बाद अब यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 2250 के लेवल पर। अब इंट्राडे में क्या हमको 2250 के ऊपर जैसे ही निकलता है इसमें हम बाइंग बना सकते हैं, 2250 अभी इसके लिए एक हर्डल है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद अब देखिए कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर की मूव जो है चालू हुई है, तो अब आपको यहां पर जो है बाइंग बनानी हो 550 के ऊपर जो है आप इसमें बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो के लिए देखिए ये जो लेवल था नीचे 2850 का ये एक सपोर्ट लेवल था। ये सपोर्ट लेवल के बाद देखिए यहां पर कंटिन्यू इसने एक हफ्ता यहां पर सस्टेन किया और सस्टेन होने के बाद फाइनली देखिए ये ब्रेक कर चुका है इसका जो है ये जो रेंज बन रही थी। अब आप जो है इसमें इंट्राडे में जो अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप 3010
3010 के ऊपर जो है आप इसमें जो है बाइंग का ट्रेड इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने फाइनली देखिए इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था इसने ब्रेक कर दिया है। ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था आप देखिए कितने दिनों से। अब यहां पर अगर ये 3815 का लेवल निकालता है तो आप इसमें जो है पोजिशनल जो है पोजिशन बना सकते हैं। इसमें देखिए 3000 और ऊपर जो है 3700, तो ये 700 पॉइंट की रेंज यहां पर बनी हुई थी। तो अब यहां से हमारा टारगेट देखिए 700 पॉइंट्स का होना चाहिए। आप इसमें चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं और आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 3650 का स्टॉप लॉस रख के आप यहां पर पोजीशन बनाना चाहे बना सकते हैं। इंट्राडे में आप 3830 के ऊपर आप जो इसमें ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए बजाज फिंजर्व। बजाज फिंजर्व ने भी देखिए ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसमें भी अगर देखिए इसमें भी अगर इंट्राडे की पोजीशन बनानी है तो 6380-6350 के ऊपर जैसे ये निकलेगा इसमें हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 6400-6430 और 6480। नेक्स्ट है बीपीसीएल। बीपीसीएल भी देखिए यहां पर एक ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट होने के बाद अब ये देखिए अगर 370 का लेवल निकालता है तो इसमें हम जो है ट्रेंड लाइन तक हमारे यहां पर टारगेट होने वाला है 380 तक। नेक्स्ट है हमारा देखिए भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल के लिए देखिए ये जो लेवल है 460 और 465 के बीच ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसमें अगर बाइंग बनानी है तो 465 के ऊपर जब कैंडल की क्लोजिंग आएगी फिर हम इसमें बाइंग साइड जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया भी देखिए कंटिन्यू यहां पर ये जो सपोर्ट जोन था सपोर्ट जोन इसने ब्रेक किया। ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन था इसके लिए ब्रिटानिया के लिए। तो हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट ये 3600 का सपोर्ट जोन था। 3600 का सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ है। अब इसमें अगर आपने बाइंग बनानी है तो बाइंग जो है 3620 के ऊपर इसमें बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और सेलिंग जो हमारी एक्टिव होगी वो होगी 3380 रुपए के नीचे। नेक्स्ट है सिप्ला। तो सिप्ला में देखिए सिप्ला में क्या है अब ये देखिए एक ये ट्रायंगल टाइप का पैटर्न यहां पर बन रहा है। इसमें अब बाइंग का ट्रेड हम बनाएंगे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद मीन्स 825 के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया भी देखिए नियर अबाउट एक अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है। ये देखिए नीचे ऊपर से जो है काफी तेज नीचे की तरफ आया है और यहां पर देखिए अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। ठीक है, अगर डब्ल्यू पैटर्न के बारे में आपको पता नहीं है तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से यहां देखिए नीचे की तरफ आया। अब ये देखिए ठीक है हल्का सा ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आया। अब ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न यहां पर बन सकता है। तो इसका जो है हमको यहां पर जो है अगर पोजीशन बनानी है तो पोजीशन जो है आप इसके ऊपर बना सकते हैं 122 रुपए के ऊपर। इसमें आप जो है एक महीने के व्यू से अगर चलते हैं तो आप इसमें काफी अच्छा एक टारगेट ले सकते हैं। हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 145 का। नेक्स्ट है हमारा डिविस लैब। तो डिविस लैब भी देखिए यहां पर जो है कल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने यहां पर दिया है। अब इसके लिए ऊपर एक जो रेजिस्टेंस है वो एक रेजिस्टेंस है ये देखिए ये लेवल जो है इस लेवल के पास कंटिन्यू 3270 का जो लेवल है यहां पर कंटिन्यू ऊपर जाके नीचे की तरफ आया था। तो 3270 के ऊपर जो है हमारी इसमें बाइंग बनेगी। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी को अभी रहने दीजिए, अभी इसको ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की दीजिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फिर इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आयशर मोटर। तो आयशर मोटर भी देखिए अभी जैसा कि ये रेंज में ट्रेड कर रहा है और रेंज में ट्रेड करने के ये देखिए अभी यहां पर सपोर्ट के पास जो है इसने कंटिन्यू सस्टेन करना चालू किया है। अब इसमें जो है 2165 के ऊपर आप इसमें जो है बाइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेल। तो गेल को हम देखेंगे 90 रुपए के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा ग्रासिम। तो ग्रासिम देखिए एक कंटिन्यू एक असेंडिंग चैनल में हम इसको कह सकते हैं असेंडिंग वेज पैटर्न इसको बोला जाता है जो इस तरह से पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो असेंडिंग वेज पैटर्न में देखिए अभी हमारा इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है। अब यहां पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, 810 का लेवल रेजिस्टेंस है। अब हम यहां पर जो है बाइंग या सेलिंग करेंगे ये रेंज ब्रेक होने के बाद। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो बाइंग साइड में जाएंगे, अभी नीचे ब्रेक होता है तो नीचे सेल साइड में जाएंगे। तो अभी इसको रेंज ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक में देखिए यहां पर ये जो मैं आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहां पर दिखाता हूं, यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन अब इसको जो है इसके 860 रुपए के ऊपर निकलने दीजिए। 860 रुपए के ऊपर जो है इंट्राडे में इसमें जो है बाइंग की जा सकती है। नेक्स्ट है देखिए एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक देखिए मैं जो बैंक निफ्टी की वीडियो बनाता हूं उसमें मैंने कंटिन्यू इसको अपडेट कर रहा हूं। 1250 के ऊपर मैंने बाइंग बताई थी इंट्राडे के लिए भी और पोजीशन बनाने के लिए भी मैंने 1250 के ऊपर बताया था। तो फाइनली देखिए इसने 1310 का हाई लगा दिया है।
नेक्स्ट है हमारा देखिए एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ को अभी कुछ नहीं करना है, अभी इसको निकलने दीजिए 610 के ऊपर या फिर 550 के नीचे, फिर इसमें बाइंग या सेलिंग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हीरो मोटो। तो हीरो मोटो भी देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज यहां पर भी मेरे को दिख रही है। अब ये एक लेवल है ये देखिए 3002 का, तो 3002 छोड़िए 3010 को ब्रेक होने दीजिए। 3010 के बाद हम जो है बाइंग बनाएंगे। हमारा इसमें जो टारगेट होगा वो 3100 का होगा और जो है 3340 का होगा, हमारा ये पोजीशन के टारगेट है। अब नेक्स्ट है हमारा देखिए हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी देखिए एक ये रेजिस्टेंस लेवल था 185 का, कंटिन्यू यहां पर जाता था और नीचे की तरफ आ जाता था, दूसरी बार भी गया फिर देखिए नीचे की तरफ आया, तीसरी बार अब जो है फाइनली इसने ब्रेक किया है बट यहां पर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो इसको एक कैंडल और ऊपर निकलने दीजिए, उसके बाद इसमें हम बाइंग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें अभी कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट है एचडीएफसी, ये देखिए कितनी जबरदस्त मूव यहां पर इसने दिखाई है एचडीएफसी ने। अब ये देखिए इसका एक जो पिछला जो एक हाई लगा हुआ था, मैं आपको यहां पर लेवल ड्रॉ इस तरह से करके दिखाता हूं, पिछला जो हाई लगा हुआ था वो हाई लगा था 2140 रुपए का। अभी इसको ट्रेड करना है तो 2140 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मूव देने वाला है मंडे के सेशन में। देखिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों रडार पर रखिएगा, ये तीनों जो है मतलब काफी अच्छी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक। अब ये देखिए यहां पर भी जो है एक कंटिन्यू एक असेंडिंग चैनल जो हम इसको कह सकते हैं, तो असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था और फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसमें जो है हमने देखना है 450 रुपए के ऊपर, 450 के ऊपर जैसे निकलता है आप इसमें एंट्री लीजिए, इंट्राडे लीजिए, चाहे आप पोजीशन भी इसमें बना सकते हैं, इसमें हमको बहुत अच्छी मूव मिलने वाली है आगे। नेक्स्ट है देखिए आईटीसी के लिए देखिए जो है मतलब अभी कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा था और यहां पर देखिए नीचे की रेंज बनाई है, रेंज फाइनली जो है फ्राइडे के सेशन में इसने ब्रेक करने की कोशिश की बट जो है सेलर फिर यहां पर एक्टिव हो गए और इसको जो है क्लोजिंग रेंज के अंदर ही क्लोजिंग हुई। अगर यही क्लोजिंग रेंज के बाहर होती 175-76 के ऊपर होती तब इसमें हम जो है बैंक का ट्रेड ले सकते थे, तो अभी इसको रहने दीजिए। अभी जब ये 176 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी फिर इसमें हम बैंक का साइड देखेंगे। नेक्स्ट है आईओसी, आईओसी को भी रहने दीजिए। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक पे नजर बनाकर रखिए। इंडसइंड बैंक जैसे ही आप देखिए यहां पर कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं और अभी तक आपको एक रेड कैंडल देखने को नहीं मिली है, तो मेरे ख्याल से यहां पर आपको अभी एक अगर आप पोजीशन इसमें बनाना चाहते हैं तो एक या दो रेड कैंडल का वेट करिए, यहां पर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद बाइंग जो है इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। वैसे अगर आपको इंट्राडे के लिए करना है तो 745 के ऊपर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 752, 759 और 765 का टारगेट होगा। नेक्स्ट है इन्फी, तो इन्फी भी देखिए यहां पर जो है एक रेंज नीचे देखिए सॉरी यहां पर 4 दिन की एक रेंज बनाई थी, 4 दिन की रेंज बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था। अब इसमें जो हमने हमारी बाइंग बनेगी वो बनेगी 1125 रुपए के ऊपर, तो 1125 रुपए के ऊपर जो है आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए हमारा अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं जो है देखिए मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूं और वहां पर जो है मैं आपको कंटिन्यू ऑप्शन की कॉल देते रहता हूं, वहां पर चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, वहां पर टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो चार्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील, तो जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए अब यहां पर जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास घूम रहा है। अब ये 330 के ऊपर जो है आप इसमें जो इंट्राडे में बाइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोटेक बैंक, ये देखिए कोटेक बैंक भी कितनी जबरदस्त मूव हुई है। मैंने आपको यहां पर 1450 के ऊपर की बाइंग बताई थी, पोजिशन मेरे को स्टूडेंट ने यहां पर पोजिशन बनाई थी 1450 के ऊपर और फाइनली उसके बाद भी जो है मैंने यहां पर 1602 के ऊपर मैंने बताया 1605 के ऊपर बताया था कि 1605 के ऊपर जैसे निकलता है वैसे आप इंट्राडे में भी ट्रेड बना सकते हैं और यहां पोजिशन भी बना सकते हैं। टारगेट मैंने 1700 और 1750 का दिया था तो यहां पर फाइनली देखिए 1700 का टारगेट अचीव हो चुका है और यहां पर जो है फ्राइडे का सेशन का जो हाई लगा है वो 1725 का लगा है। तो अब देखिए अब जो है थोड़ा अलर्ट हो जाइए, 1725 के आसपास यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन है। अब 1725 से 1730 इसको क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद हम इसमें जो है नई पोजिशन के बारे में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलटी, तो एलटी में भी कुछ नहीं करना है, एलटी को रहने दीजिए, एलटी की रेंज ब्रेक होगी उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एमएनएम, एमएनएम देखिए अब ट्रेंड लाइन यहां देखिए ट्रेंड लाइन इसके लिए मेन है, अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसमें बैंक बना सकते हैं। नेक्स्ट है मारुति, तो मारुति के लिए देखिए
अब क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, एक अगर ये 6800 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो हमारा इसमें टारगेट जो होगा वो होगा 6300 रुपए का, और ऊपर की तरफ अगर 7300 7400 रुपए निकलता है तो 7400 के ऊपर आप जो है 7450 के लिए यहां पर बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनटीपीसी, एनटीपीसी में ये देखिए 83 रुपए के नीचे, नहीं एनटीपीसी अभी रहने दीजिए, अभी इसको छोड़िए, ये जो 100 रुपए के नीचे का स्टॉक है इसको हम नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है नेस्ले, नेस्ले आप जो है 17500 के ऊपर बाइंग कर बना सकते हैं। नेक्स्ट है ओएनजीसी, ओएनजीसी देखिए अब अपने सपोर्ट लेवल पर आकर जो है कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, यहां पर अगर आप बाइंग बनाना चाहें तो बाइंग बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एसएल रखकर आप 63 रुपए का एसएल रखकर आप जो है बाइंग बना सकते हैं। 5 रुपए का एसएल है, टारगेट हमारा यहाँ पर कम से कम जो है 10 रुपए का है। नेक्स्ट है हमारा पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड को जो है 181 रुपए के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस, तो रिलायंस अभी देखिए ये जो इसने ये ऊपर की जो एक रेंज बनी हुई थी तो इसने रेंज ब्रेक की फाइनली और नीचे की तरफ आया 1828 का इसने लो लगाया। अब इसके लिए क्या इंपोर्टेंट है, अब ये 2070 का लेवल निकालता है तो इसके बाद हम इसमें बाइंग की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई लाइफ, एसबीआई लाइफ देखिए ये भी देखिए एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, अब चैनल ब्रेक होने दीजिए फिर इसको देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा श्री सीमेंट, श्री सीमेंट के लिए अभी जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 22500 का, तो 22500 के ऊपर निकलता है फिर इसमें हम बाइंग साइड देखेंगे। अदरवाइज देखिए मैं आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम इसमें जो है नीचे की तरफ सेल साइड की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक को अभी देखिए मैंने इसके आपको 206 रुपए के ऊपर मैंने रिकमेंड किया था, तो 206 के ऊपर जिसने भी यहां पर पोजीशन बनाई होगी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। अब इंट्राडे में अगर ये 222 का लेवल क्रॉस करता है तो आप जो है आपका टारगेट हमारा टारगेट होगा 225, 228 और 232 का। नेक्स्ट है सन फार्मा, तो सन फार्मा देखिए फाइनली यहां पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर दिया था मैंने, तो ये देखिए अगर आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये एक यहां पर सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के बाद जब यहां पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी और अगले दिन यहां पर एक हैमर कैंडल बनाई थी, तो मैंने यहां पर अपने कुछ स्टूडेंट्स लोगों को मैंने बाइंग करने को दिया था 470 के ऊपर अगर निकलेगा, तो 470 के बाद फाइनली मूव देखिए 520 तक ये पहुंच चुका है। अब इसके पास जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो देखिए कितने का ये निकल के आ रहा है 530 का, तो अगर आपको इंट्राडे में अगर बाइंग करनी है तो 518 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, टारगेट होगा हमारा 530 का। नेक्स्ट है हमारा टीसीएस, टीसीएस को जो है आप जो है 2730 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप इसमें बाइंग का ट्रेड इंट्राडे में बना सकते हैं, इंट्राडे के लिए, ठीक है पोजीशन के लिए नहीं बता रहा हूं, 2730 के ऊपर निकलता है ये लेवल निकलता है तो 2730 का लेवल जैसे निकलेगा आप इसमें जो है बाइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में भी कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है टाटा स्टील, तो टाटा स्टील देखिए ये फाइनली जो मैंने ये ड्रॉ कर रखा हुआ है ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन देखिए ये ब्रेक इसने करने की कोशिश की बट ब्रेक कर नहीं पाया और देखिए ऊपर से सेलिंग आ गई और नीचे ही क्लोज हुआ है। अब टाटा स्टील को हम देखेंगे 445 रुपए के ऊपर, 445 रुपए के ऊपर निकलेगा तो हम बायर बनेंगे और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो हम सेलर बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा भी देखिए एक बहुत अच्छी कैंडल इसने बनाई है, इसको बहुत हम सुपर बुलिश कैंडल कहते हैं, हैमर कैंडल, तो अभी हम देखिए इंट्राडे में हमको जो बाइंग करनी है वो एक लेवल, मान लीजिए आप यहां पर बाइंग कर लेते हैं फिर आपके ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ऊपर जो है 860 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो 860 को निकलने दीजिए, 860 जैसे ही निकलता है आप इसमें जो है 872 और 880 के लिए 882 के लिए आप यहां पर जो है बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइटन, तो टाइटन देखिए ये देखिए चैनल में जो है कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, ये देखिए एक ऊपर अपर चैनल है और ये लोअर चैनल है, तो यहां पर देखिए आप बाइंग बना सकते थे, मैंने यहां पर खुद जो है पर्सनल यहां पर बाइंग बनाई थी 1210 रुपए के नियरबाउट बाइंग बनाई थी और इसने फाइनली देखिए जो फ्राइडे का जो हाई लगाया है वो 1265 रुपए का लगाया है। अब देखिए इसका इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है भी 1280 का लेवल जैसे ही निकालेगा तो हम इसमें एक बहुत अच्छी अपमूव देखेंगे और अगर ये चैनल ब्रेक करके निकलता है तब समझ लीजिए यहां पर एक रॉकेट मूव होने वाली है। अभी तो फिलहाल हमारा टारगेट यहां पर 1330 का है, मैंने यहां पर 1210 पर यहां पर जो है एंट्री बनाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूपीएल, तो यूपीएल देखिए यूपीएल अभी जो है अपने सपोर्ट जोन पर काम कर रहा है तो फिलहाल इसको हम बाइंग की तरफ देखेंगे, 470 के ऊपर निकलेगा तब देखिए। कभी भी जो है आप सेफ ट्रेडिंग करिए, ठीक है ना, अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस है आपको किसी ट्रेड पर तब आप उसमें ट्रेड करिए, अदरवाइज उसको ट्रेड मत करिए, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे मार्केट में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेकेंड, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेड मैं खुद करता हूं वही ट्रेड अगर आप खुद करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ आइए,
अकाउंट ओपन करिए एंजल ब्रोकिंग में, अलाइस ब्लू में। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो है इंट्राडे सपोर्ट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके बाद एक स्पेशल ग्रुप है मेरा ऑप्शन ग्रुप का, वहां पर आपको ऐड किया जाएगा और वहां पर मैं कॉल देता हूं, मैं वो कॉल वहां पर देता हूं जो मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अकाउंट खोलिए और हमारे साथ ट्रेड करिए। नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, अब अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए ऊपर का जो लेवल है वो 4750 का और नीचे का लेवल जो है 4450 का। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसमें बाइंग की तरफ देखेंगे और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा विप्रो। तो विप्रो देखिए, अब यहां पर देखिए गैप फिल कर चुका है। यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर ये 8 अक्टूबर की कैंडल देखेंगे तो 8 अक्टूबर की कैंडल ने यहां पर जो है गैप अप ओपनिंग दी थी और गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो है देखिए 2-3 दिन ऊपर की तरफ ट्रेड किया था और फाइनली देखिए अब यहां पर ये 15-20 ट्रेडिंग सेशन से जो है ये कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है अपने सपोर्ट लेवल पर। अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है इसको, तो यहां पर देखिए ये दोबारा जो है इस यहां पर टेस्ट कर सकता है ट्रेंड लाइन को और ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट करने के बाद फिर फाइनली जो है इसको ब्रेकआउट दे सकता है। अगर नहीं तो फिर अगर 350 के ऊपर मंडे के सेशन में निकलता है तो इसमें बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी, 365 की नेबाउट 4-5% की मूव यहां पर जो है क्लियर कट देखने को मिलेगी। तो चलिए जो है मतलब इस चीज का मतलब थोड़ा देखिए, अगर मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है। देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, अगर आप अपने रूल अपने डिसिप्लिन कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो यहां पर कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप जो मर्जी सीख लीजिए, चाहे आप मुझसे सीख लीजिए, चाहे आप किसी से भी सीखते हैं, आप सीखिए। देखिए मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ही ट्रेनिंग लीजिए, आप किसी से भी ट्रेनिंग लीजिए, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो यहां पर सक्सेस हुआ हो। सो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप टाइम यहां पर स्पेंड करेंगे, उतना जो है देखिए आपका हाथ साफ होगा, ठीक है ना, आपकी आंख साफ होगी उतना। मतलब देखिए ट्रेड को पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है ना, ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करिए, पैटर्न को पहचानने की कोशिश करिए, चार्ट में पैटर्न ढूंढिए। आपकी आंखें इतनी ट्रेंड हो जानी चाहिए कि आपको चार्ट देखते ही वहां पर पैटर्न का पता चल जाए कि यहां पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहां पर ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर कोई रेंज बन रही है, यहां पर कुछ भी मतलब कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, हर चीज का मतलब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करिए, देखिए डेली 2-3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है मतलब बहुत जल्दी सक्सेस होंगे यहां पर, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज देखिए क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मैं वहां पर आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। वहां पर मैं आपको जो चार्ट मैं वहां पर ड्रॉ करके आपको पोस्ट करता हूं, उस चार्ट के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9878137600 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।